भारतीय वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सोमवार को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इससे वायुसेना की ताकत में वृद्धि होगी, क्योंकि यह बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में 4 हेलीकॉप्टर को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा, एक अद्भुत महत्वपूर्ण क्षण है जो कि रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। एलसीएच को सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के बाद ऐसे हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर एलसीएच खरीदने को मंजूरी दी गई थी। 3,387 करोड़ में से हेलीकॉप्टर एचएएल खरीदे गए हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना यानी कि थल सेना के लिए हैं।